नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा में 4 दिवसीय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक का स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डायट प्रवक्ता पुनीत मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य ने सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि हमें और भी बेहतर कार्य करने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक विद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यों को और भी बेहतर प्रस्तुत करें। इस अवसर पर संगठन मंत्री नागेश दुबे, अजय सिंह, देवेंद्र सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम शासन की मंशा के अनुसार निपुण भारत मिशन प्रशिक्षण जो 4 दिवसीय है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्रों के लिए, इसमें हमारे सरकार द्वारा जो निर्धारित है कि निपुण लक्ष्य जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक की है उसकी न्यूनतम साक्षरता या दक्षता हासिल करना है। हमारे परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चे जो भाषा और गणित में न्यूनतम दक्षताएं लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको प्राप्त करें, और इसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए निपुण भारत मिशन का ये प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आयोजित किया। अच्छा, प्रशिक्षण जो हो रहा है इसको प्रशिक्षण कौन देगा? प्रशिक्षण गर्भदाता ARP होते हैं जिनका पूर्व में ही डाइट पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है उन्हें, और उन्हीं के द्वारा हमारे ब्लॉक पर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण। 4 दिवसीय है ये? 4 दिवसीय। ऐसे प्रशिक्षण में तो शैक्षिक कार्य बाधित होंगे। इसे प्रशिक्षण जब 4 दिवसीय चल रहा है तो शैक्षिक कार्य बाधित होंगे विद्यालय का? शैक्षिक क्या? जैसे जो बच्चों मतलब स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वही शिक्षक लेंगे यहाँ प्रशिक्षण? तो मैंने बताया पहले कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षक यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे बच्चों, वो अपने विद्यालयों में जाकर बच्चों को उसी इसी प्रशिक्षण के आधार पर निपुण लक्ष्य कैसे बच्चे हासिल कर सकते हैं उसका क्रियान्वयन। जैसे विद्यालय के सारे टीचर एक साथ लेंगे कि? सारे टीचर नहीं, प्रत्येक विद्यालय से एक सहायक अध्यापक और अगर यदि वहाँ पे शिक्षा मित्र हैं तो एक शिक्षा मित्र। इस तरीके से हम लोग लगभग 4-5 राउंड देंगे। हमारे यहाँ 509 टीचर हैं प्राथमिक स्तर के और शिक्षा मित्र मिलाकर, तो हम लोग 4-5 राउंड लगभग है, तब 500 कम्प्लीट होंगे और प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक, एक शिक्षा मित्र।